सीधे बोला फोन पर एक आज डेली मेडिसिन का क्या मतलब है, टेलीफोन पर सलाह देने का, आपके यहाँ रोस्टर बना हुआ उसका तब तो बनाना होगा ना। मॉक ड्रिल किए हैं कोरोना के लेकर के, क्या किए हैं, क्या दिशा निर्देश दिया गया है? हम अपने कोरोना के इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा इत्यादि, मानव बल का जो है ना समीक्षा किए हैं। यहाँ तो कोरोना की फैसिलिटी पहले भी थी, 2020 में, 21 में, 22 में नया संक्रमण का दौर आने की संभावना है, तो उसी फैसिलिटी को हमसे फिर हम लोग फिर से रीचेक कर लिए हैं और सारा चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत मैंने उच्च स्तर की जो व्यवस्था है कोरोना से लड़ने की यहाँ स्थापित हो चुकी है। मानव बल हो या ऑक्सीजन हो या दवा इत्यादि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हम पिछले दौर की तरह इस बार भी बहुत बढ़िया से कोरोना संक्रमण के दौर से। कितना बेड है, कितना वेंटिलेटर है हमारे यहाँ जो है? 75 ऑक्सीजन बेड है और 16 वेंटिलेटर बेड है। वेंटिलेटर तो वैसे 24 है लेकिन आईसीयू बेड 16, कुल 91 बेड की यहाँ व्यवस्था। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? कोरोना के लेकर मॉक ड्रिल किए हैं, क्या व्यवस्था, किस तरह की तैयारी आप लोग करके रखे हैं? देखिए, हम लोग पूरी तरह कोरोना से जूझने के लिए तैयार हैं। पिछला बार जब कोरोना का वेव आया था उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और सारे चीज़ को इकट्ठा कर लिया था, डॉक्टरों की ड्यूटी से लेकर के और जो भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पैरामेडिक्स, डॉक्टर सारे लोग मौजूद हैं। कोई भी इमरजेंसी होगी हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। सिर्फ उसको रिव्यू करने के लिए हम लोग आए थे कि जो भी पहले का चीज़ है, क्योंकि बीच में मरीज नहीं था, सारे मशीन बैठे हुए थे, उनको पूरा चालू करवा दिया गया है कि कभी भी मरीज आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो और तुरंत काम शुरू हो जाए। इस बार कोरोना का किस क्या वेरिएंट आया है, किस तरह का? इस बार का जो वेरिएंट है वो अभी तक हमारे यहाँ तो नहीं साबित हो पाया है, लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन का BF.7 है, इस इन्फेक्शस ज़्यादा है। एक यदि पेशेंट निकल जाता है तो उससे मोटा मोटी 12 से 18 मरीज को वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्प्रेड बहुत जल्दी होगी। इसीलिए हम लोगों को सबसे ज़रूरत है कि सतर्क रहें और कोरोना बिहेवियर का पालन करते रहें, यही हमारा जान बचा सकता है। लेकिन यदि हो गया कोरोना आपको और आप सीरियस हुए, आपको बीमारी का लक्षण आने लगा, हम इलाज के लिए तत्पर हैं और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।